देख रहे हैं, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। ये मुझे जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी वो नहीं लग रही है। सेकंड साइन कॉस में चेंज करना पहले से है। थर्ड काम कैलकुलेशन करना। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं कैलकुलेशन में। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम है ना, देखो कैसे करना है। कॉस ए प्लस कॉस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी, ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, साइन ए माइनस साइन बी के साथ साइन ए प्लस साइन बी प्लस, इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका मल्टीप्लाई होगा कॉस ए प्लस कॉस बी। एलसीएम ले लिया, बिल्कुल सिंपल है। इसको डिवाइड कराएंगे इससे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसको डिवाइड कराएंगे इससे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल आसान है ये भी। और नीचे जो चल रहा है उसे ऐसे ही लिखता हूँ, कॉस ए प्लस कॉस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आसान। अब इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से कैसे करें। साइन स्क्वायर ए को हम क्या ये लिख सकते हैं, लिख सकते माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। फिर से साइन स्क्वायर ए को लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, प्लस में ये ऐसे ही ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और होल के नीचे अपॉन में चल रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी एंड साइन ए साइन ए प्लस साइन बी, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसको ओपन कर लो। इसको जब आप ओपन करोगे तो देखो क्या बनेगा, वन ऐसे ही ठीक है, माइनस का क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस का वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, प्लस में क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इस होल के नीचे ये ब्रैकेट चल रहे हैं हमारे पास, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ए लिख लिया। अब वन से वन कैंसिल, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये सब कुछ क्या हो गया जीरो, और जीरो अपॉन समथिंग क्या जीरो, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल एलसीएम लिया, प्लस माइनस किया, थोड़ी बहुत ये बेसिक वाली आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आंसर आ गया था ना। ये था क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू टेन ए टेन बी, ये दिखाना है। ठीक है, दिखा देंगे कैसे करें।
लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही, किस में चेंज कर लें? सेकंड पास में है, डायरेक्ट कर दें? ठीक है डायरेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में क्या प्लस, इसको क्या करते हैं रैशनलाइज, है ना? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर भी आएगा नीचे अगर रैशनलाइज कराओगे तो। कॉट को टेन में चेंज कर लें, ठीक है चलिए ऐसा कर लेते हैं। टेन ए प्लस टेन बी, कॉट ए को लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन टेन ए प्लस वन अपॉन, ठीक है टेन ए प्लस टेन बी ऐसे ही ठीक है, अपॉन नीचे एलसीएम क्या आएगा, टेन ए टेन बी, ठीक है टेन ए से टेन ए कैंसिल, ऊपर क्या आ गया टेन बी, टेन बी से टेन बी कैंसिल टेन ए जा आ गया। ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, यहाँ पर, इससे ये, तो टेन ए और टेन बी आ गया ऊपर, ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया है ना। कॉट को टेन में चेंज किया, एलसीएम लिया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। कैसे किया ये समझ आ गया, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर जाएगा और ये दोनों क्वांटिटी सेम बन जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया 35। ओके इसके बाद नेक्स्ट देखो, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर है 36। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल प्रूफ करना है किसके, वन के, है ना? तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर वन को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, बट क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के? नो, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल नहीं होता है, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल, बिल्कुल आसान है या नहीं? ठीक फर्स्ट पार्ट, इसी तरह से सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कैसे करना है, वन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है बेटे, जो कॉस का थीटा इधर भी है इधर भी है। अब ये इक्वल का साइन तो तभी आ सकता है जब ये दोनों आपस में इक्वल हों, तो क्या ये इक्वल होते हैं? आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा। 37 यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर, ये बचेगा है ना, साइन थीटा ऐसी ठीक है, 1 ऐसी ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है तब साइन थीटा ऐसे ही ठीक है, 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये आ जाएगा, साइन थीटा ऐसे ही ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख लिया, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना? तो ये क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इनटू में क्या चल रहा है साइन थीटा, ठीक है ना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करा देता हूँ, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से क्या करा देता हूँ मल्टीप्लाई, उससे क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, और कॉस थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस माइनस में क्या, ये प्रूफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आसानी से कर लोगे, पहले साइन कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा बनाओ, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, फिर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आ गया, फिर अपनी तरफ से कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, हमें कैसे पता चलेगा, तो आंसर वहाँ पर टेन थीटा लाना है,
तो साइन तो है, उसके नीचे क्या और होना चाहिए, है ना, तो कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लिया, तो ये टेन बन गया, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे आंसर आ जाएगा। कॉस तो कैंसिल हुआ था, तो साइन और एक कॉस बचा हुआ, तो साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, टेन। अब यहाँ टेन बन चुका, यहाँ टेन बन चुका, यहाँ और बनाना है, तो इसको बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, और ये उधर से इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का इक्वल्स टू, अब टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा मिलकर कितने, टू टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या चल रहा है, थ्री टेन थीटा, और प्लस में क्या चल रहा है, वन इक्वल्स टू। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो इसको, है ना, तो देखो टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, टू टेन थीटा, क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस वन, और इसमें से माइनस का साइन कॉमन है, माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन प्लस टू जीरो। तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन, और एक टू टेन थीटा माइनस वन, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, इसको जीरो के इक्वल रखो, टेन थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, वन, और यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू आ जाएगी जब इसको जीरो के इक्वल रखो, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें टेन थीटा को ये लाकर दिखाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को टेन में कन्वर्ट करो, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन की, और कैसे कन्वर्ट करेंगे कि साइन के नीचे कॉस आ जाए, तो इसका मतलब टेन बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक, पूरा क्वेश्चन टेन में कन्वर्ट कर लिया, फैक्टराइज किया, आंसर आ गया।